हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज और वीडीएम किट के बारे में। और फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड शुरू करते हैं पहले वजाइनल डिस्चार्ज से। देखिए वजाइनल डिस्चार्ज और वीडीएम किट जो होता है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए पहले आपको वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कुछ बात करते हैं, उसके बाद फिर हम वीडीएम किट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वजाइनल डिस्चार्ज माने योनि से जो स्राव निकलना, यानी कि योनि से आपका पानी बहना, इसको हम लोग वजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। और वजाइनल डिस्चार्ज काफी स्त्रियों में पाया जाता है और इसके चलते काफी स्त्री जो होता है वो परेशान रहते हैं। तो आइए हम आपका परेशानी दूर करने का कोशिश करेंगे और वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में छोटा सा आपको बताएंगे कि क्या होता है वजाइनल डिस्चार्ज, ये क्यों होता है और किन किन कारणों से वजाइनल डिस्चार्ज होता है, और कौन सा वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है यानी कि योनि से स्राव जो बहता है वो आपका गंभीर बीमारी का लक्षण जो की ओर संकेत करता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वजाइनल डिस्चार्ज दो तरीके का हम इसमें बांट सकते हैं। एक होता है कि आपका शरीर में संक्रमण के चलते या फिर कोई कैंसर के वजह से हो सकता है, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि से स्राव बहना जो कि कोई आपका शरीर के अंदर अंदरूनी कोई संक्रमण या फिर कोई गड़बड़ी ये नहीं बताता, यानी कि ये आमतौर पर एकदम नॉर्मल होता है। देखिए वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये अगर सफ़ेद पानी जैसा, उसके बाद अगर दुर्गंध ना आता हो और साथ साथ में आपको खुजली नहीं होता है या फिर कमर में दर्द नहीं होता है और यौन संबंध बनाते समय अगर आपको दर्द नहीं होता है तो इस तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये सामान्य होता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए वजाइनल डिस्चार्ज को हम लोग ल्यूकोकोरिया भी बोलते हैं। अब कौन सा टाइप जो स्थिति में वजाइनल डिस्चार्ज जब होता है वो संक्रमण का संकेत करता है उसके बारे में आपको छोटा सा जानकारी दूंगा। देखिए अगर वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि से जो स्राव अगर वो काला कलर का हो या फिर हरा हरा कलर का हो या फिर जब हम लोग का कहीं पे भी फुंसी हो जाता है यानी कि फोड़ा बोलते हैं या फिर एब्सेस बोलते हैं जिसमें अंदर जो क्रीम कलर का होता है, उसके साथ साथ अगर छोटा छोटा ब्लड का धब्बा अगर निकले या फिर नीला कलर का, हल्का नीला कलर का अगर योनि से स्राव बहता है या फिर वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो ये आपका शरीर में संक्रमण का संकेत ये करता है या फिर कुछ और गड़बड़ी का ये संकेत देता है। अब देखिए ये इस जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो कलर रंग दिया हुआ है वजाइनल डिस्चार्ज का, तो ये रंग इस तरीके का अगर वजाइनल डिस्चार्ज हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये आपका शरीर के अंदर संक्रमण का संकेत देता है या फिर कुछ और कारणवश कारण की वजह से ऐसा होता है इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए अगर कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज, अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज के साथ अगर आपका योनि के अंदर खुजली आप अगर महसूस करते हैं या फिर जलन आप महसूस करते हैं या फिर संबंध बनाते समय आपको दर्द होता है या फिर कमर में दर्द होता है, साथ में बुखार आता है तो ये एक संक्रमण का संकेत करता है। तो देखिए इसमें जो होता है कि ज़्यादातर इसमें फंगल इन्फेक्शन पाया गया है जिसको हम लोग कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर हीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और साथ में कुछ कुछ बैक्टीरिया भी ये बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी ऐसा योनि से इस तरह का स्राव निकलता है जिसमें ट्राइकोमोनासिस बोलते हैं, उसके बाद क्लैमाइडिया इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर गोनोरिया बोलते हैं या फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर यौन संबंधित बीमारियों से होता है। तो इस तरह से अगर ऐसा स्राव निकल रहा है और एक बीमारी का संकेत बताता है। अब फ्रेंड बात करते हैं कि वीडीएम किट क्या होता है या फिर जोकोन एएस किट क्या होता है।
देखिए ये जो किट होता है ये हम लोग लिकोकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि सामान्य वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो उस स्थिति में हम लोग इसको देते हैं। तो इसमें चार टैबलेट का मिश्रण होता है। सबसे पहले होता है फ्लुकोनाजोल जो कि एंटी फंगल होता है, उसमें 150 mg का पावर वाला ये दवाई होता है जो कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना है। उसके बाद फिर दोपहर को लंच जब होता है यानी कि जब नाश्ता करते हैं दोपहर में तो उस टाइम आपको 2 घंटा पहले एजिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट जो कि एक किट के साथ आता है उसका 1 ग्राम आपको लेना है। फिर रात को सोते समय आपको सेक्निटाजोल का जो टैबलेट होता है 1 ग्राम का वो आपको लेना है यानी कि एक दिन में आपको एक साथ 4 गोली सुबह खाली पेट में सुबह खाना खाने के नाश्ता करने के बाद दोपहर को खाना खाने 2 घंटा खाना खाने से पहले और रात को सोते समय तो 4 गोली आपको एक दिन में एक ही साथ आपको लेना है। और याद रहे ये जब गोली लेते हैं तो इसको चबाना नहीं है, 1 ग्लास पानी के साथ इसको आपको लेना है। अब फ्रेंड देखिए इसको हफ्ते में ये टैबलेट आपको एक ही बार लेना होता है और ये ज़्यादातर हम लोग 1 महीने का कोर्स कराते हैं यानी कि हफ्ते में एक बार करके 4 हफ्ता आप इसको लेना है। देखिए इसके साथ साथ अगर आपको योनि के अंदर जलन होता है या फिर खुजली होता है तो आप या फिर दर्द होता है तो दर्द निवारण गोली आप कोई भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादातर हम लोग पैरासीटामोल जो होता है 1 ग्राम का देते हैं दिन में 3 बार करके खाने के लिए या फिर 2 बार करके खाने के लिए या फिर जब दर्द हो तब खाने के लिए हम लोग देते हैं। और साथ में आपको खुजली से राहत देने के लिए जलन से राहत देने के लिए हम लोग एलेग्रा 120 mg का आता है जो कि हम लोग सुबह नाश्ता करके खाने के लिए बोलते हैं या फिर सिट्रिजिन 10 mg का या फिर लिवोसिट्रिजिन 5 mg का रात को सोने से पहले एक लेने के लिए बोलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से वीडियम किट होता है या फिर जेनाकोन एएस जो किट होता है वो 4 टैबलेट आपको एक साथ लेना होता है हफ्ते में एक बार करके 4 हफ्ता। तो अब फ्रेंड बात करते हैं कि ये टैबलेट जब आप लेते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट आपको हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको उल्टी उल्टी जैसा भाप लगेगा उसको हम लोग नौसिया बोलते हैं और साथ में आपको जुलाब हो सकता है यानी कि आपको डायरिया हो सकता है और साथ में आपको पेट में दर्द हो सकता है तो और फिर आपका स्वाद में कुछ परिवर्तन आ सकता है यानी कि जीभ में थोड़ा सा स्वाद में अदला बदला सा ऐसा आपको महसूस होता है। और बता दें कि जब ये टैबलेट आप लेते हैं तो खूब सारा आप पानी पिया कीजिएगा और चर्बी वाला खाना जो होता है उसका सेवन आप ना करें। तो ये रहा कुछ साइड इफेक्ट जो इसका होता है जब आप ये टैबलेट लेते हैं। अब देखिए अब जब आपको 4 हफ्ते का कोर्स करने के लिए बोला जाता है तो जैसे जैसे आप ये दवाई लेना शुरू करते हैं आपको राहत मिलना शुरू होता है तो जैसे आपको अच्छा लगने लगा तो आप तुरंत दवाई को बंद ना करें, कंप्लीट पूरी तरह से 4 हफ्ता आपको इसको लेना है। अब फिर बात करते हैं कि किसी किसी में जैसे ये दवाई बंद करते हैं तो बार बार फिर इसमें क्यों होता है उसका कारण के बारे में उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए किसी किसी को ये दवाई लेने तक ठीक रहता है उसके बाद जैसे ही बंद करता है तो फिर कुछ दिनों में फिर से ये परेशानी शुरू होता है। तो इसमें ऐसा अगर ऐसा हो तो कृपया आप अपना डायबिटीज जो ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको एक बार चेक कराइए और साथ में आपका पार्टनर जो होता है या फिर हस्बैंड होता है उसको भी आप ये दवाई से आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्योंकि जब आप ये दवाई खाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं तो दोबारा आपको ये बीमारी होने का संभावना होता है अगर आपका पार्टनर या हो या फिर हस्बैंड को इस दवाई से ट्रीटमेंट नहीं किया तो। अब फिर देखिए और साथ में HIV का टेस्ट भी आप जरूर कराइए और उसके साथ साथ ये सारा बीमारी जो होता है ज़्यादातर यौन संक्रमण के वजह से होता है तो कृपया आप कुछ संबंध बनाते समय जब तक ये दवाई खाते हैं आपका दवाई का अगर कोर्स पूरा नहीं होता है तो संबंध बनाते समय कृपया कॉन्डम का उपयोग किया कीजिए। अब फ्रेंड अगर किसी में ये वेजाइनल डिस्चार्ज बार बार होता है और साथ में अगर कोई भी स्त्री अगर 35 साल से ऊपर का हो
और फिर योनि से स्राव निकलना बंद नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में पैप स्मियर करना जरूरी रहता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, कैसा कैसा स्थितियों में ये सामान्य होता है, यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको इलाज करने का जरूरत नहीं है, और कैसा कैसा स्थिति में आपका शरीर में संक्रमण का संकेत देता है, यानी कि इस स्थिति में आपको वीडियम किट लेना है, और कैसा कैसा स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना है या फिर कैंसर हुआ है कि नहीं उसका जाँच करना है। तो ऐसे ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। अब तक इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।